एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे से होगी, प्यार से होगी, खुश होगी। हम भी बहुत बढ़िया है। तो अभी टाइम कुछ 8:30 से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है और हम रेडी शेडी हो चुके हैं, नहा धो लिए और अपना लंच भी आज हम पैक कर लिए हैं। और अभी पता है मेरा जो वो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट था ग्राफिक्स वाला, वो अभी हमको जाके मिल रहा है। मतलब इधर हमको मिल ही नहीं रहा था, वो सारा चीज यहाँ पे रखा हुआ था। चलो सबको लेके अच्छे से डॉक्यूमेंट में डाल देंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वाले फाइल में डाल देंगे। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस, क्योंकि आज थोड़ा पहले निकलना है। तो चलो उधर ही कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। लंच वैसे हम पैक कर लिए हैं, नमकीन वगैरह। तो चलिए इसी के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। मम्मी देंगे क्या कपड़ा, देंगे वॉशिंग मशीन में? कितना तो यहाँ मम्मी बना रही है कद्दू और साथ में सोयाबीन आ रही है जो कि हम खाएंगे रात में। मम्मी हमको लेट हो जाएगा, हमको लेट हो जाएगा यार। तो हो गया, ये आलू भी फटाक से हम छील दिए और अब चलो साथ ही में देना है ये वॉशिंग मशीन में कपड़ा सब, तो ये भी डाल देते हैं। दिन को शुरू करने से पहले 2 ग्लास पानी, ग्लास भर ले छोटा है लेकिन दिन भर में पानी पीते ही रहते हैं। गए हुए थे हम सोनू जी के घर पे और वहाँ से लेके आए छाता, दीदी आई हुई है। तो दीदी से आप लोगों को नहीं मिलवाए, बट अगले बार मिलवाएंगे, क्योंकि अभी वो सो के उठी थी तो वीडियो बना तो तुमको मार के भगा देती घर से। फिलहाल अभी चल रहे हैं ऑफिस और मौसम भी देख रहे हो पूरा बारिश वाला उसके बाद। प्यारा सा मौसम और एक कप चाय, सुकून। ये बरसात में जो है ना इस तरह का कुछ सीन देखने को मिलता है और ये फीचर है हमारे ऑफिस का। ऑफिस में बैठ के हम कफ सिरप का शॉट्स पी रहे हैं, देख। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अभी एक और निकलेगा, 5 पेपर है। चलो सारा पेपर निकल गया और अभी इसको दे देते हैं, फिर भी निकलना है थोड़ा सा बैंक। जैसे भी लंच टाइम हो चुका है और लंच आज हम पहले ही खा लिया अपना, तो लंच खाने के लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी जा रहे हैं बैंक ऑफिस के ही काम से और लंच को पैक करवा के आए, क्योंकि जो हम लंच लेके आए थे उसको हम खा लिए ब्रेकफास्ट में और अभी लग रहा है बड़ा तगड़ा भूख। तो चलिए चलते हैं। आजकल मौसम देख रहे हो कितना जल्दी अंधेरा हो जाता है, अभी 6 बज रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा साउंड लगा। मेरे घर जाते जाते तो पूरा एकदम डार्क हो जाता है आसमान। खैर अभी घर को ही निकल रहे हैं। बैक होम और अभी पहले 10-15 मिनट तक एकदम अच्छे से सोएंगे, क्योंकि इतना नींद आया। ऑटो में बगल में आंटी बोल रही है, बाबू कहाँ कहाँ जाना था? हाँ बताया, बोले हमको लगा तुमको शायद यहीं उतरना होगा, तुम सो गई मजे में। उसके बाद भी एकदम आँख खुली नहीं रहा मेरा। मम्मी को काजू बर्फी दिए, ये काजू बर्फी खा जाओ, इस खुशी में काजू बर्फी खिला रहे, हमको नहीं पता बट खा जाओ। चलो हम मिलते हैं थोड़ी देर में। तो उठ गए सो के, एकदम मस्त आधा घंटा सोए हैं। मम्मी 7 बजे उठाई, चाय बना दी और अभी बन रहा है घर पे ब्रेड पकौड़ी। तो एक हम खाएंगे, बस एक से ज्यादा मेरा नहीं बनाना। हम वैसे भी चाय पिला के आएंगे 5 मिनट के लिए। हम ना दुकान पे थोड़ा सा व्यस्त क्या हो गए कि मेरे घर कोई आ गया और हम आप लोगों को मिलवा भी नहीं पाए। तो मिलवाना तो बनता है ना। मुझे मिली हमारी नन्नी परी से, मेरे घर आई एक नन्नी। देख लीजिए आंटी कौन खिला रहा है आइसक्रीम, देख लीजिए आंटी, देख लीजिए शुभम भैया को। और यहाँ दोनों भाई मिलके अपनी छोटी सी बहना को खिला रहा है। मानो नोजी दिखा दो, टांग दिखा दो, टांग। परी कैसी हो? परी आद्या मेरी कैसी है? उसका नाम खत्म हो गया। परी अच्छी नहीं है क्या? मेरी परियों की रानी। अरे वाह, जूता पहनिए दिखाओ। वाह कितना सुंदर लग रहा है, क्या पहनी है मानू? मानू ई क्या है? ई क्या है? क्या है मानू? अरे वाह मानू, नया सैंडल पहनी है, धूम से गिर जाएगी अभी देखना। उनके बाहर रखा है आटा, आलू देख रहे हो क्या हाल हुआ, पूरा रूम में आटा आटा हो गया सच। पता नहीं कुछ तो रखा है आटा वाटा। मम्मी बनाई ब्रेड पकौड़ी तो हम भी लेके आ गए अपने लिए, साथ ही में फ्राई कर लिए थोड़ा सा तिल बड़ी। 1 केजी आलू लीजिए, हम आपका चावल कम्प्लीट कर देते हैं।
मैं सजी तिहारी। यह मम्मी को पढ़ा रहा है बेटा, देख रहे हो, मम्मी को समझा रहा है बैठ के। और हम आए थोड़ा दुकान से, और 9:30 बज चुका है, थोड़ा पहले ही आ गए क्योंकि आज थोड़ा पहले पापा स्वेटर गिरा दिए, एक स्वेटर गिरा दिए, उनका सामान नाप दिए, वो आके बस पैसा वैसा देने का काम है, तो मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आके यहाँ पे बैठ गई। बर्तन धोने का बाद हम कितना खुशी से दौड़े दौड़े आए कि हमको अरे वाह बर्तन धो दिए, उसके बाद ऊपर आके थोड़ा सा अरे मम्मी काहे बर्तन धो दिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन अंदर से तो दिल प्रसन्न हो जाता है, फिर पता चला कि बर्तन धो ही नहीं थे, शाम को जो बर्तन था वो उठा के रखे, और आज सबका खाना पीना पहले हो गया, हम बैठ के वीडियो एडिट कर रहे थे, और आज हम ज्यादा देर जागेंगे, फटाक से बर्तन धोते हैं, खाना खाते हैं, बाल में एकदम तेल लगाएंगे, और मेरा कल वाला वीडियो भी एडिट हो चुका है, तो आज वाला करना है तो हम आराम से कल करेंगे, और फिलहाल आज हम जल्दी सोएंगे। हेलो बेटी मूंगफली बोलो, हेलो बेटी मूंगफली, मूंगफली में मम्मी नहीं, अरे बर्तन भी इधर धुआ गया, चलिए अब खाना खा लेते, बर्तन धो के भी हम चले थे ब्रश करने के लिए, फिर हमको याद आता है यार हम खाना तो खाए नहीं, तो चलिए हम खाना खाएंगे उसके बाद फिर सारा काम करेंगे। हुआ है जिसमें है चावल, आलू, चना का सब्जी, और साथ ही में वैसे हमारे घर में अभी तक बिना हल्दी वाला ही खाना बन रहा है, बस आज बनना, मम्मी कल से बनेगा ना, साथ 10 करम के दिन, पता है आप लोगों को मेरा नेल्स कितना बड़ा हुआ, हम दिखाते हैं आप लोगों को, अभी नाखून में गंदा गया हुआ है, मतलब पता है नेल्स कब से रखना, छोटा रखना स्टार्ट किए, जब से हम स्टार्ट किए थे अपने चैनल पर डालना व्हाट आई ईट इन अ डे, तो उसमें ऑब्वियसली हाथ दिखता था, हम ना पहले नेल पेंट लगाते थे वो हाफ हाफ, मतलब जितना दूर एक्स्ट्रा रहता था उतना दूर में, ठीक है, और ऐसा कोई वीडियो सिंगल वीडियो नहीं था जिसपे कमेंट नहीं आता हो आपका नेल्स कितना गंदा है, आपका नेल्स कितना गंदा है, तब से जो हम नाखून काटना शुरू किए उसका हम नाखून कभी बढ़ाते नहीं है, हम हरेक मतलब जैसे थोड़ा सा बढ़ता है काट लेते हैं, देखते हो इतना बढ़ गया है, एकदम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, इधर वाला हाथ का तो एकदम दांत से खाली है, दिख रहे हो, इधर वाला हाथ में जरा सा भी नहीं बचा है, मतलब इसमें बचा है इसका तो कटता ही नहीं है, और ये सब खा लेते हैं, मतलब तोड़ के फेंक देते हैं दांत से निकाल के, और हाँ नहीं खाई हूँ, तुम खाना खा लिए, आज सतुआ को पता है किडनी में दर्द हो रहा था, पापा के साथ डॉक्टर के घर गया था, और डॉक्टर अंकल उसको बहुत सारा सुई दी और बहुत सारा दवाई दी, ये नहीं बोलोगे सुइया नहीं दिया, बच गया कैसे, चल रहा है इसे करके, ऐसे करके दर्द पेट में चल रहा है, ऐसे करके मतलब ये क्या कर रहा है तू, कैसे मैंने पता पेट में दर्द चल रहा है, कैसे चल के दिखाना, रास्ता पर ऐसे चल के आया, माई ऐसे चलते रास्ता हुआ जो है ना एक बार मटकाते हुए चल के आया, डांटे हैं तब जाके भी सीधा चल रहा है, अभी मेन क्या था ना इसको पढ़ने बोला गया था, पढ़ना नहीं था तो उसको किडनी में और पेट में दर्द हो रहा था ना, तो सही हो रहा था, और दवाई खाए एक बार में ठीक हो गया, बड़ा मैजिकल दवाई था जी, अभी भी हो रहा है, अभी हो रहा है बच्चा को पढ़ा देंगे, पढ़ा सत्य तुम बताऊंगे तो सतवा बोलते कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो हमको कोई कमेंट करा था क्या देहाती वाला लैंग्वेज यूज करते हो, अरे भाई देहाती वाला लैंग्वेज थोड़ी है ये सतवा, अब सत्य में मेरा भाई इसको हम प्यार से सतवा बोलते हैं, कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं यार, बताओ खाना पीना हो गया डन, और अभी हम पता है क्या करने वाले हैं, ये वाले ट्रॉली को अच्छे से साफ सफाई करेंगे, मतलब अच्छे से घस घस के धोएंगे, इसको कब से रखे हुए, जब पहली बार हम पटना जो हम 4 दिन के लिए गए हुए थे तभी से सोच रहे इसको जब लाए हैं तो इसको अच्छे से धोधा देंगे, बट धो नहीं पाए, और अभी हमको होगा तो मे बी हमको फिर से निकलना पड़े बाहर कुछ दिनों के लिए, तो चलो इसको फटाफट से साफ सुथरा कर देते हैं, और देखो कभी मन बन जाना तो उस चीज को कर लेना चाहिए, नहीं तो मेरा मन हमेशा नहीं बनता, कभी ये कभी बनता है, कभी बन गया है तो चलो इसको धो देते हैं, जैसे हम धो दिए और यहाँ पे फिलहाल कर देते हैं, रात भर में पूरा पानी निकल जाएगा और कल मम्मी धूप में दे देगी, हो गया सारा काम और अभी हम चले सोने के लिए, इसके साथ मिलेंगे कल सुबह फिर से 8:30 बजे एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, देख रहे हो बेडशीट कहाँ जा रहा है मेरा, अरे कहाँ जूम हो गया, बेडशीट भी देख रहे हो कहाँ जा रहा है, सतवार उधर सो चुका है, चलो हम भी सो जाते हैं, ओके बाय, क्योंकि एक और दिन खत्म हो चुका है, एक दिन खत्म होने में कितना मतलब कितना कम समय जाता है ना, तुरंत शुरू हुआ और पता ही नहीं चला तुरंत खत्म हो गया, इसीलिए हम लोगों को ना हर एक मिनट हर एक पल को जी लेना चाहिए, चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक और नए दिन की शुरुआत में, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना भी और अपनी फैमिली का भी।